माननीय लोकसभा अध्यक्ष गणमान्य अतिथियों को संबोधित करेंगे। आज हमारे बीच में पधारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, सभी सांसदगण, देवे और सज्जनों, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आज हम सब भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 70 वर्ष पूर्व आज के दिन 26 नवंबर 1949 को इसी केंद्रीय कक्ष में भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। आज के दिन एक नया इतिहास रचा गया था, जिसकी मधुर स्मृतियां अब भी हमारे मन में ताज़ा है। आज के पावन अवसर पर मैं भारतीय संविधान को शत-शत नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन सभी संविधान निर्माताओं का, जिनके परिश्रम और अप्रतिम योगदान से हमारा अनूठा संविधान अस्तित्व में आया। आज से 7 दशक पूर्व जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, तब हमारे सामने भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी थी। तब उस दायित्व को स्वीकार करते हुए देश की जनता ने भारत की संविधान सभा को महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मनुष्यों के अथक प्रयासों से संपूर्ण भारत की आशाओं और उम्मीदों के प्रतीक के स्वरूप में भारत का संविधान निर्माण हुआ। हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यह हमारे आदरणीय पूर्वजों की दिव्य संकल्प का शंखवाद है, इसलिए पवित्र भी है और श्रद्धा का पात्र भी है। बीते 70 सालों में संविधान ने देश की विकास यात्रा में विशिष्ट भूमिका निभाई है, लेकिन 7 दशकों के दौरान हमारे सामने नई चुनौतियों भी है और नए अवसर भी आए हैं। तेजी से बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमारा संविधान आज भी हमारा संबल है। नई प्रौद्योगिक और सूचना तकनीकी से उत्पन्न स्थितियों से निपटने में हमारा संविधान हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए एक नई दृष्टिकोण से संविधान को देखना होगा। इस भावना से हम संविधान दिवस को कर्तव्य पर्व के रूप में मनाएं और एक नई शुरुआत करें। संविधान ने हम सबको मौलिक अधिकार के रूप में कई प्रकार की शक्तियां दी है, लेकिन हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान ने हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। हम सब भारतवासी यदि संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपने रोज़मर्रा के आचरण में उतारें, तो हम बहुत जल्दी एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम संविधान के मौलिक कर्तव्यों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें मानवीय जीवन के हर पहलू को अनुशासित करने की परिकल्पना की गई है। हम सब देशवासियों से यही अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्श और संस्थाओं का आदर करें। हम भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हम देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करें। इसके साथ ही हम वैज्ञानिक सोच विकसित करते हुए अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करें। संविधान में जहां एक तरफ मौलिक अधिकारों के रूप में हमें पर्याप्त आज़ादी और शक्तियां दी हैं, दूसरी तरफ संतुलन बनाते हुए मौलिक कर्तव्यों का निर्देश करके हमें अनुशासित भी किया है।
ये अनुशासन मौलिक अधिकारों द्वारा दी गई आज़ादी और शक्तियों के प्रयोग का एक जरूरी शर्त है। मौलिक कर्तव्यों के पालन से राष्ट्र की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। संविधान में उल्लेख किए गए मौलिक कर्तव्यों में हमें उन आदर्शों और मूल्यों की याद दिलाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें प्रेरित किया है, देश की संप्रभुता को बनाए रखने का दर्शन दिया है और देश में समरसता की बहार चलाई है। लेकिन कर्तव्यों से मुख होकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है। इस असंतुलन के कारण देश के विकास में बाधाएं आती है और विकास की गति धीमी होती है। आज संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधियाँ उपस्थित हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस बात पर आम राय बनाएं कि अनुच्छेद का पालन सिर्फ विवेकाधीन न रह जाए। हम समय आ गया है कि हम सभी सांसद देश के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जहाँ अधिकारियों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का स्मरण भी करें और दूसरों को भी कराएं। साथियों, भारत का संविधान बस कुछ कानून और नियमों की एक लिखित किताब नहीं है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्र की चेतना व आदर्शों और सामूहिक सपनों व आशाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए हमें संविधान को अपना पथ प्रदर्शक बनाए रखना है। हमें संविधान को रचनात्मक उपयोग करते हुए नए भारत की नई तस्वीर बनानी होगी और ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। आइए आज हम इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम भारतीय संविधान के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद।